श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय सियाराम, से इनके प्रवचन सुनेंगे। ये माता का मंदिर अरनिया में, वहां ये भागवत करते हैं और
हमारे भारतवर्ष का कोई ऐसा स्थान नहीं होगा यहाँ इन्होंने कथा नहीं की हो। तमिलनाडु से वो इतने इनकी कथा से प्रभावित हुए कि वहाँ पर इनको 10 तोले का एक मेडल भी मिला। बायर इनके भक्तों को, इनके पूरे अनुयायियों को वहाँ पर उन्होंने बुलाया। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त शिरोमणि श्री पवन शास्त्री जी, जिन्हें भी जम्मू यात्री भवन दे विच सेवा करने वाले पदाधिकारी सारे का ना इन्हों का नहीं पता, श्री गुरुराज जी शर्मा, श्री सरदारी लाल जी, श्री मिश्रा जी और जिन्हें भी पदाधिकारी सेवा करा रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें तन मन लाया सेवा करने विच, ऐसी व्यवस्था असें सिर्फ बालाजी द्रुपदी दिखी, उत्थे भी इन्नी व्यवस्था नहीं जिन्नी जम्मू यात्री भवन विच। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म ही माताओं बहनों देवियो, प्यारे बच्चे बच्चियों, प्रेमी बंधुओ, साड़ा जम्मू कश्मीर ना बड़ा श्रद्धालु है। अस जे तमिलनाडु वाल जियां श्री गुरदास जी होने सुनाया, जे कुदे उधर गए हो जे ना अस, ते सानू उधर भी बसां लभदियां। ते माताओ भैनो बंधुओ बजुर्गो, तुंदे अंदर इन्नी भगती है ना कि तुसें पूरे भारतवर्ष दे विच अपना जम्मू का नाँ जिहड़ा ना वो सारे स्टेटें दे विच चला दा। सारे लोग आखदे कि जम्मू दे जिहड़े भगत ने उंदी बड़ी श्रद्धा है। हुण इस मौके कोई कथा दा कोई टाइम है नहीं, ज़्यादा समय बड़ा थोड़ा है, सिर्फ तुंदे दर्शन करने वास्ते बैठे हैं इत्थे और सारे दा आशीर्वाद लैने वास्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आखदे कि जिसले सुक्की जगह होंदी है ना तो उत्थे बरखा पवै ना तो की होंदा, गिल्ली जगह हो जाती, फिर इन्नी गिल्ली जगह होंदी कि तलाब पर उच्ची आंदे। हुण ज्यादा नहीं अस तुसेंगी सुनागे, तुस अग्गे बड़े श्रद्धालु हो, धर्म प्रेमी बंधु हो, तुंदा इन्ना सहयोग मिला दा है कि जियां अस महसूस करने हां पांडवें कोल भगवान श्री कृष्ण जी आए, आखदे अर्जुन युधिष्ठिर भीम मेरे ना बड़ी भयंकर पेट दर्द होवा दी है। सारे व्याकुल होइए, भगवान दे पेट दर्द होवा दी है। आखा दे महाराज आग्या करो, एक कोला एक किताब दा स्कीम लई आने आ। भगवान कृष्ण जी आखदे नहीं, मिगी कोई कीम दी जरूरत है नहीं, मिगी ना सिर्फ युक्ति दी जरूरत है। युक्ति की है कि मिगी ना चंदन दी लकड़ी चाहिदी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने देवराज इंद्र गी आखिया कि इन्नी वर्षा करी उड़ो, कोई भी जगह गिल्ली बगैर नहीं रवै। भगवान दी कृपा करने बड़ी वर्षा हुई। हुण चंदन दी लकड़ी मंगी कोने, भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवें को। अर्जुन की बड़े बारी भगवान आखदे है ना कि कोई दान वीर है ना तो है करण। महाभारत च कथा आती भीम की भी नहीं अच्छा लगता, पांडवें कुसा की अच्छा नहीं लगता, जिसले करण दी पांडवें सामने तारीफ होंगी सारे गे ना परेशान होंगे। तो अर्जुन की इं हों जियां ना कोई तीर चुभदे ना। अर्जुन करण की तारीफ नहीं सुनी सकते। उन्हें एक दिन बोली उड़िया कि महाराज तुसे दसो, तुस इन्नी उंदी तारीफ की करते हो कि अगर कोई दान वीर है वो इस धरती पे करण वीर है। तो भगवान ने फिर अपनी माया का दस्या ना प्रभाव, आखदे मेरे इन्नी पेट दर्द होआ दी है, तुस मिगी ना चंदन की लकड़ी दियो, काफ़ी चाहिदी है मेरी। पांडव आखदे महाराज मामूली यारी गल है, जंगलें च गए जिते चंदन के वृक्ष, उते भी चंदन की लकड़ी एक तीला जिन्नी नहीं मिली। आइए वापस नींदियां मुंडियां कीती दियां, भगवान आखदे बोलो लकड़ी मिली, वो वाक्य हमारा, तुस दसो कियां आए।
जिसने दसिया कि सानू ना चंदन की लकड़ी की जरूरत है। करण ने कोई विचार नहीं किया, माताओ भैनो बंधुओ, उस्सा मौके कुलवाड़ी लई ते जिन्ने भी दरवाजे हैं ना चंदन दे लगे दे सारे अगे रखी उड़े तोड़िए। ते पांडव इन्ने लज्जित होइए, भगवान कृष्ण आखदे दसो अर्जुन तुंदे महलें विच नहीं चंदन दे दरवाजे लगे दे, आखदे मी ठीक आखना ना। फिर इत्थों तकर भगवान ने फिर परीक्षा लई करण दी, आखदे ना कि भगवान परीक्षा जी दी लैण ना उसी आपे गै तार देना, आपे गै पास कर देना। गुस्सा की हिम्मत है नहीं कि जी देखो जे राजा हरिचंद्र है ना तो उनेंगी भी भगवान ने बल दिता तो पास होंगे गए, पुत्र भी गया, पत्नी भी हथ आ गई, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनकी लाज रखी सत्यमेव जयते। फिर क्यों होया जिसले करण ने युद्ध दे विच आ रखाई ली अर्जुन कोला तीरें कने छलनी हुई है, तो उस मौके भी भगवान श्री कृष्ण ने आखिया कि चलो विपर रूप बनाइए थोड़ा मिलिया चे करनगी मिलिया तो की आखदे कि सानू ना दान चाहिए, आखदे महाराज दान मंगने कोला सोचो पहले मैं केड़ी जगह है केड़ी अवस्था विच हाँ, एक मरण अवस्था है दूई रण भूमि है, महाराज मेरे कोल तो एक कोई तिल जिन्ना भी कोई चीज़ है नहीं। भगवान आखदे विपर रूप बनिए गए दे, आखदे नहीं करन एक चीज़ तेरे कोल है हाली भी, आखदे ओ कि महाराज दसो मिगी इस मौके ते मेरी सहयोग है। मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं भ्यावतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय गुरुजी, धर्म प्रेमी साथियों, नागपाल जी कन्नै कई सालें दी मेरी बदस्तूर चर्चा चलती आई। अज मैं जरूरी समझा कि जम्मू यात्री भवन कन्नै जिन्हें नौजवान लोग जुड़े दे उहदे कोला वध बजुर्ग साढ़े कन्नै जुड़े और जिन्ने भी इत्थों सज ईश्वर की कृपा कन्नै दिखा करते हो ये सारे मेरे बजुर्गों की कृपा है। मेरे लाला सतपाल जी होण, वैद रामानंद जी होण, जम्मू महाराज जी होण और कई असंख्य लोग जिन्हां मैं नाम नहीं ले सकता। और असें मैं स्पैशली सोमावती मस्या के उपर मौके का कार्यक्रम करना तो एक अलग गल है, वो मेरे बिना और पंडित लोग भी बड़े सारे इतने हैं वो करी सकते हैं, लेकिन उन्हें लोगों की पिंड दान करने वास्ते मैं सोमावती मस्या की जरूर आने पा। क्यों आने पाँगा? उनकी कृपा करने का अस अज जरा इस समाज के इस जम्मू के इस अस अज कोई 15 साल पहले या 20 साल पहले इतने हरिद्वार चाहते होंगे असें कुसा भवन से जाना भाई असें रात कट्टनी है भाई ये भवन है वो पंजाब वाले का, जे पंजाब वाले कोला कोई जगह बजू पहले उन्हें आना उस तो बाद कोई जगह बजू तो तुसें अस इतने रहने की आग्ञा देंगे। लेकिन भगवान की अज ऐसी कृपा है कि अस जम्मू वाले तो साढ़े को आन तो आन वो तो साढ़े घर आए लेकिन वो बाद भी जिन्हें सारे तो उस लोग बैठे हुए हो 25% लोग ऐसे ने जो जम्मू को बाहर का भी साढ़े को सेवा का मौका असें देने वास्ते आते। क्यों? कि ये साढ़े अतिथि देव हैं, अस जम्मू वाले जो लोग हाँ अस अपने अस जो जम्मू के लोग हाँ चाहे कोई थोड़े पैसे दिता या मते दिता या नहीं भी दिता ये जम्मू वाले हाँ ये जम्मू वाले का भवन है अस अपने हाँ। लेकिन साढ़े अतिथि कौन जो साढ़े को बाहर आए कोई अमृतसर का आए कोई बटाले का आए कोई राजस्थान का आए कोई दिल्ली का आए साढ़े वो मेहमान अस मेहमान नहीं है अस घर आए हाँ। कुसै का घर ब्याह शादी होया तो अपने घर आए आखते भी नहीं घर आए की कोई गल नहीं पहले जो मेहमान उन्हें रुट्टी खिलाओ उन्हें सौने का बिस्तरा शैल दो उनका इज्जत मान करो
इस गल्ला करी अजें अगर कुसै कोई थोड़ी बहुती इत्थे रौह्ने च बौह्ने च खाने च कोई तकलीफ भी होंदी है ओहदा इक्कै बीज मंत्र है कि अस घर आए हैं ना असीं थोड़ा बहुत दुख होना साढ़ा घर ब्याह है लेकिन जेहड़े साढ़े बाहरा दे आए हैं ना असें पहले उनका मान सम्मान करना उनेंगी शैल खाने देना उनका पूरा असें मान सम्मान करना इयो साढ़ा एक हरी द्वार दे विच आनी है ते यात्री भवन दे विच आनी है इयो एक साड़ी इंसानियत का परचा और डोगरां ते एक बड़ा भारी एक एक कल्चर है साढ़ा डोगरां दा अस जिथे जाने आ उत्थे अस अगर फौज भी साढ़े लोग अगे ते साढ़े डोगरे अगे अगर कुदै प्रोटोकॉल जगे ते साढ़े डोगरे अगे इसै उसै चीज़ का असें परचे देंदे होई असें इस गल्ला पर आना कि जेहड़े बाहरा दे लोग आए दे वो साढ़े मेहमान अस जेहड़े कठुए दे आए दे आ जम्मू दे आए दे आ हीरानगर दे आए दे आ बठोत दे आए दे आ कश्मीर दे आए दे आ वो अस घर आले आ अज साढ़े विच एक नागपाल जी एक ऐसी शख्सियत जिहदा 1919 च जन्म होया हुण इहने 2019 च 100 साल दे पूरे होई आ और भगवान की कृपा रहो असें इंदा 100 साल मां इत्थे गै बनाना एह कोई ऐसे लोकें जां लोग नहीं हैन ये बड़े संपन्न इंदे जागत IAS अफसर इनकम टैक्स अफिसर कोई रेलवे च कोई बड़ा अफसर ये दूसरा तीसरा और सब तो बड़ा इंदा करदार क्या है जिहड़ा गुरदास जी ने दस्या कि ये अपनी कमाई चा कोई बच्चा जिहड़ा 11वीं 12वीं पास करी आ और वो अच्छे नंबर होने और वो बाद वो पढ़ने की इच्छा रखता वा उसी ये कर दें कि उसी ये अपनी गोद ले लेंगे उसी अपना जागत बनाई लेंगे ये नहीं जागत बनाते कि उसी आखते तू घर बार छोड़िए ना ना उसी आखते तू अज कोला पढ़ने की जिन्ना खर्चा लेना मेरे कशा लेना जिते कुदै तू रुकावट हो मैं तेरे कन्ने जाना वो इन्हें अज धोड़ी 15-16 IAS अफसर निक्के दे जिहड़े तैयार कीते ने उहदे कीते दे कीते दे लेकिन इस उमरीज भी अज इहदे कोल 15-16 बच्चे ऐसे ने जिहड़े IAS IFS IRS IPS करी आए इत्थे बैठे ने अजे भगवान दी इन्नी कृपा अजे बड़े सौभाग्य की गल है कि इन्हें की पता लगा कि मैं अज इत्थे आए दा इन्हें स्पैशली चंडीगढ़ का मेरे कन्नै मिलने वास्तै मी आशीर्वाद देने वास्तै इत्थे आए अज में मुनासिब समझिया कि मैं इंदा तुसें लोकें कन्नै परिचय भी करवां और कोई ऐसा बच्चा जेड़ा इंदी कैटागरी च फाल करदा होऐ ते ओह इंदे कोला लाभ भी साढ़े माध्यम कन्नै लेई सकदे कि सारे लोकें गी इंदे कन्नै तुंदे कन्नै वाकफी कराने दा मतलब एह हा कि एह इस उम्र दे विच 98 साल की उम्र के अज भी इच्छा रखा देन और अज भी मैं आखा दे दोपहरी ने मैं अजे महाराज कोई 10 अफसर होर बनाने की मेरी इच्छा है ते कम से कम भी मैं अपनी जिंदगी च अज साढ़े गुरदास शर्मा जी का बच्चा इंजीनियर है उसी आखा दे महाराज वो इंजीनियर करी की बस करी है वो अगे की नहीं पढ़ा है वो बंगलौर जाना मी दसो कोई अगर तुसें कोई रुकावट है तो मैं उसे तुसें पूरी कर दे इस उम्र के जिस साथी की इन्नी डेलीगेशन हो समाज वास्तै उसी नमन करना कोई गलत नहीं हो सारे लोग नागपाल जी वास्तै भगवान अगे प्रार्थना करन कि इन्हें दीर्घ आजु मिले और इन्हें कोला कुछ सीखचै कि अस लोग कुछ आदमी की रस्ता दसने की तैयार नहीं है अज के जमाने देखो ना साढ़ा तो चलो डोगरे का फिर भी कल्चर कोई भुली आ चलो जी दसी ने लेकिन बाहर तुम जाओ उठी दिल्ली बॉम्बे च इन्हें शहरों में जाओ उठी पर आगे पूछो जी आगे पूछो जी वो अगे अगे गए लोगों के धकेलते जाते लेकिन ऐसे भी व्यक्ति साढ़े समाज के और जेडे साढ़े कने जुड़े दे और जिंदा मी खास करिए बड़ा आशीर्वाद है ये मैं इंदे कने थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया हूँ ये आपे जम्मू यात्री भवन के बारे इंदा के अनुभव है ये भी तुसें दसगन